नमस्कार, बुंदेली दर्पण देख रहे हैं आप। एक बार फिर बुंदेली दर्पण की खबर का असर हुआ है। खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। डीओ सहित पीआईयू के एसडीओ पहुंचे जांच करने। मामला छतरपुर जिले के गोयरा का है, जहां 1 करोड़ की लागत से बन रहे हाई स्कूल भवन के निर्माण कार्य में व्यापक अनियमितताएं बरती गई थी, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की थी। प्रभारी प्राचार्य ने भी अमानक स्तर पर निर्माण कार्य की बात स्वीकार की थी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया था। वहीं बुंदेली दर्पण टीम ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। लाइव तस्वीरें भी मौके से निर्माण स्थल की दिखलाई थी और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीओ सहित पीआईयू के एसडीओ मौके पर पहुंचे जांच करने और इसके शिकायतकर्ता ग्रामीण भी मौके पर उपस्थित रहे। गिट्टी के साथ छत में नदी के चिकने बड़े पत्थरों को डालने की शिकायत सही पाई गई। मौके पर मौका मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों ने जब बारीकी से कराए गए निर्माण कार्य की जांच की तो छत में अमानक मटेरियल सहित नदी के बड़े चिकने पत्थर डले होना पाया गया। ये तस्वीरें आपको उस दिन की जब खासा आक्रोश था ग्रामीणों का। लगातार ग्रामीणों ने शिकायत की थी अधिकारियों से। 181 में भी शिकायतें दर्ज कराई गई थी ग्रामीणों के द्वारा और लगातार जब मीडिया में इस खबर को प्रकाशित किया गया तो इसके बाद प्रशासन अब हरकत में आया। डीईओ सहित पीआईयू के एसडीओ पहुंचे थे जांच करने और जांच में अमानक स्तर पर निर्माण कार्य होना पाया गया। पंचनामा लेख किया गया जिसमें ये सारी कमियां भी उल्लेखित की गई हैं। ये तस्वीरें उस रेत की जिस मिट्टी और पत्थर मिली रेत से निर्माण कार्य कराया जा रहा। गोयरा के ग्रामीणों ने लगातार इसका विरोध किया। राम नरेश तिवारी, संतोष तिवारी, विनय द्विवेदी, मोहित मिश्रा और तमाम ग्रामीणों ने बताया कि उक्त निर्माण कार्य की शिकायत हमने 181 में भी दर्ज कराई है। तो लगातार शिकायतें की गई ग्रामीणों के द्वारा। मीडिया में भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया और उसके बाद हरकत में आया प्रशासन और मौके पर पहुंचे अधिकारी जिन्होंने जांच की और जांच में कमियां भी पाई। पंचनामा लिखा गया, मौके पर कार्य भी रोका गया, ठेकेदार को फटकार भी लगाई गई है अधिकारियों के द्वारा इस निर्माण कार्य में अनियमितता को लेकर। तो नदी के चिकने पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था निर्माण कार्य में, छत डालने में, और इसकी शिकायत लगातार ग्रामीण करते रहे और आखिरकार जांच टीम पहुंची, ग्रामीणों को भी बुलाया गया। इसके पहले भी जांच टीम पहुंची थी लेकिन ग्रामीणों को कोई सूचना नहीं दी गई थी। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ठेकेदार पर विभाग किस तरीके की कार्रवाई करता है और कैसे इस निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुधारी जाती है।